जनसंख्या पर कानून लो, देश बचाओ, देश बचाओ। पिता जी के आह्वान पर ये शहर आज जनसंख्या पर कानून बनाने की मांग को आतुर हो गया है, वह पूरी होती है। जनसंख्या पर कानून लाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 भारत माता की, भारत माता की। आज मुझे सारा माहौल देख करके योगेश मून जी का बहुत बड़ा सहयोग इसमें रहा, यूथ मूवमेंट शर्मा जी ने इसकी शुरुआत की, तो आज जो टेररिज्म के खिलाफ एक लड़ाई है वो रहेगी। उसके बाद दूसरी लड़ाई हिंदुस्तान के अंदर पॉपुलेशन को कंट्रोल में करना, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कानून एक होना चाहिए। इसके लिए आज मैं इस संस्था से, सेफ इंडिया फाउंडेशन संस्था से मैं जुड़ता हूँ और जैसा जैसा ये कहेंगे इसके रास्ते पर चलूँगा। अभी इन्होंने ऐलान किया कि मार्च को हम दिल्ली तक मार्च करेंगे, लाखों युवक होंगे और मैं इनके साथ अभी बोला है कि जितने भी रास्ते में कॉलेज और स्कूल पढ़ते हैं दिल्ली तक, सब स्कूल और कॉलेज में मैं इनके साथ जाऊंगा। यहां से योगेश मोहन जी और अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेज उनको लेकर के सारी बातचीत करके रास्ते में जाते जाते मूवमेंट चलती रहेगी आगे। पहले दिल्ली की सरकारों को जगाएंगे, दिल्ली की पॉलिटिकल पार्टियों को जगाएंगे जो हेडक्वार्टर है, उसके बाद हम कोशिश करेंगे इसको लेके पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में जाएंगे। सर, आपसे राय ली जाए कि क्या कानून बनना चाहिए जनसंख्या नियंत्रण के लिए, क्योंकि परिवार नियोजन जैसी चीजें हैं, तमाम करोड़ों रुपए का बजट आता है, खर्च कहाँ होता नहीं पता। एक बात तो मैं स्पष्ट आपको कह दूं, इस कानून को एक ही व्यक्ति बना सकता है, ये क्रांति, ये आंदोलन, और इसको एक ही व्यक्ति बना सकता है। राजनीति अलग है, मैं कांग्रेसी हूँ वो अलग है, पुराना कांग्रेसी हूँ, वो बना सकता है एक ही, जो लोगों की बुराई भी लेता है और राष्ट्र उसके लिए प्रथम होता है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। वही ऐसा काम कर सकता है, वोट मिले या ना मिले, मैं राष्ट्र हित के लिए इस कानून को बनाना है, वो ये कर सकता है, मुझे उम्मीद। कानून ये होना चाहिए कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए जो भी पुराने हमारे कानून बने थे, इंदिरा गांधी के टाइम पे बने थे और बने थे, वो कानून और अच्छे तरीके से उसको ला करके हर कौम, हर मजहब के लिए एक ही कानून हो। भारत एक है, धर्म अनेक है, हर जाति, हर कास्ट, हर मजहब के लिए एक कानून हो कि अपने तीन या दो से बच्चे ज़्यादा हमारे नहीं होने चाहिए।